इस तरीके से हम लोग ने बचपन में कई एडवेंचर्स किए होंगे, जहाँ खेतों में से आम चुरा कर हम निकले होंगे, लेकिन आज 45 की उम्र में हम कोई आम चुराने नहीं आए इन खेतों में, लेकिन एक बहुत ही जवाबदारी वाला काम कर रहे हैं। और मेरे साथ एक एकम्प्लिस मेरा साथी भी है, और ना ही हम कोई छोटा सा रील बना रहे जिसमें जय और वीरू को जेल से भागता हुआ दिखा रहे, लेकिन हम दोनों लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं यहाँ कैंप साइट पे, कि इस एग्जॉटिक लेक पे, वांद्री लेक जो पालघर में स्थित है, इस पे हम 11 फैमिलीज को 3 दिन के लिए जो नोमैडिक कैंपिंग करने वाले उसके लिए बेस ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये बेस ग्राउंड लगता है छोटा सा है, तो यहाँ 11 फैमिलीज आएंगे नहीं, प्लस ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रही है। तो इस नीले दरवाजे के थ्रू हम वापस चले जाते हैं, और हमें आज नहीं पता था कि इस दरवाजे से हमें कल दोबारा भी आना है, जहां हम अपनी 11 फैमिलीज़ को यहां लेके आएंगे। और ये नीले दरवाजे किस तरीके से हमारे लिए डोरवे टू हेवन बन जाते हैं, ये आपको इस एपिसोड के अंत में पता चलेगा कि ऐसा मैं इसे क्यों कह रहा हूं। तो खैर, आज पहला दिन है, ये कैंपसाइट हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है, तो यहाँ से रिटर्न जाते हैं, और जहाँ हमारी फ़िलहाल 8 फैमिलीज़ रुकी हुई है वांद्री डैम के सबसे टॉलेस्ट पॉइंट पे, वहाँ चलते रिटर्न में। हेलो एंड वेलकम, आप सभी को नमस्कार और स्वागत है आज के व्लॉग में। इंडियन ओवरलैंड्स के दिसंबर वाले 10 दिन के टूर के बाद आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है, ये बताते हुए कि मुंबईकर्स के कुछ गिने चुने मनचाहे कैंपर फैमिलीज़ को आखिर में मैंने एक साल के अंदर ढूंढ ही लिया वाया फेसबुक, और हम आज फर्स्ट टाइम मुंबईकर्स 11 फैमिलीज़ के साथ 3 डेज का वाइल्ड नाइट कैंपिंग करेंगे यहाँ वांद्री लेक और डैम पे। इस पेड़ के नीचे अनइवन स्लोप्स होने की वजह से हमारे 3 फैमिलीज़ ने थोड़ा दूर कैंपिंग करना चाहा, और एज एन ऑर्गेनाइज़र अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी बुरा फील होता है कि कोई फैमिलीज़ आपकी थोड़े से दूर कैंपिंग कर रही है, और वो भी डायरेक्ट सनलाइट में। शाम के 4 बज रहे थे और विंटर सीज़न चल रहा है, तो हमारी रात बेहतरीन जाने वाली है विंटर सीज़न में। सो ये हमारी 6th and 7th फैमिली, हिमांशु सेठ फ्रॉम अंधेरी और लता एंड सोमेश गोस्वामी फ्रॉम इंदौर। और फाइनल हमारी 8th फैमिली, प्रशांत एंड सोनी। आपको तो बार का काउंटर रेडीमेड मिल गया यहाँ। आज का पूरा दिन तो सेटिंग में ही चला गया। हम लोग लास्ट ईयर भी यही वांद्री डैम पे आए थे एक साल पहले, लेकिन यहाँ 5 फैमिलीज थी, और प्रॉपर जो ढेकाले डैम है वो काफ़ी ड्राई था उस वक्त, लेकिन देखिए जब इसके एक्चुअल सीजन में आओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप देहरादून जैसी जगह पे हो, इतना सुंदर होता है एक्चुअली रेन सीजन में। और ये वो स्पॉट था लास्ट ईयर जहाँ 5 फैमिलीज आए थे ढेकाले डैम के पास, और ये साल अभी हम 8 फैमिलीज ईच सबसे ऊँचे वाले स्पॉट पर है, और कल एक फरिश्ता आने वाला है जो हमारी ये आज की जो 3 फैमिलीज धूप में कैंपिंग कर रही है हम सभी को लेके जाएगा, और ऐसे सुंदर बेहद ही खूबसूरत जन्नत जैसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ हमें कल 3 फैमिलीज और ज्वाइन करने वाली है। तो फिलहाल कल की जो जन्नत वाली साइट है उसके ख्वाब देखना छोड़ दे, और आज फर्स्ट डे तो हम यहाँ 8 फैमिलीज है बिखरी हुई, और ये बेचारी 3 फैमिलीज, और ये देखिए कविता भाभी जी भी अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, प्रो कैंपर बन रही है, देखिए इतने हार्डशिप में भी कैसे मुस्कुरा रही है। अब मैंने आपको इस पूरे कैंपसाइट का ग्राउंड टूर तो करवा लिया, अब थोड़ा सा हवाई दर्शन करवाते हैं।
सो इस प्रकार से हमारी आज की 8 फैमिलीज फैली हुई है इस वांद्रे लेक के क्षेत्रफल में। एंड कमिंग बैक टू द सेम स्पॉट, आज हमारे पास एक मेडन कैंपिंग फैमिली है, दोनों डॉक्टर फैमिलीज हैं, डॉक्टर प्रतीक भोईते एंड ऐश्वर्या जाधव भोईते। देखते हैं ये आज के कैंपिंग एक्सपीरियंस के बाद प्रो कैंपर बनेंगे, हमें नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे उत्साह तो काफ़ी दिख रहा है डॉक्टर में। से हाय। हेलो। सो ये डॉक्टर साहब और इनकी वाइफ भी इनको कल ज्वाइन करेगी। और शाम अभी मस्त ढल चुकी है और सभी 8 फैमिलीज अभी बेताब हैं, सभी के सभी इस पेड़ के नीचे आ जाएंगे और पूरी रात विंटर का आनंद लेंगे विद बोनफायर एंड बारबेक्यूज। शीख कबाब हो गया। हाँ दांत से किसको देना है किसको नहीं देना। भाभी का शक्ल देखो, नाम सुन के बड़ा शक्ल है। मेरा शक्ल अच्छा है। लोग आपका आलू हो रहा है। आलू हो गया कम को एक मिनट। लाइफ में बहुत ही ऐसा कम बार हुआ होगा कि किसी मधुर चीज़ की संगीत और मधुर आवाज़ के साथ हम लोग सुबह जगते हैं। वैसा ही ये वांद्रे डैम लेक का आवाज़ था, पानी की जो खलखलाहट चल रही थी। वाओ, क्या फैमिली कैंपर का नज़ारा है। ये लोग नज़ारे को देख रहे हैं लेकिन इन तीनों को ऐसे देख एक अपने आप ही नज़ारा बन जाता है। दिल चाहता है का जो फेमस शॉट है तीनों का, बिल्कुल उसी तरीके से अच्छा लगता है जब कैंपर्स एक दूसरे से बात नहीं करते और केवल नेचर को देखते रहते हैं। वरना अपनी इंडियन फैमिली से एक ड्रॉबैक है कैंपर फैमिलीज का कि पूरा दिन बातों में निकल जाता है, नेचर को एंजॉय नहीं कर पाते। आप लोग क्या क्या बनने वाला है आज? भिंडी। क्या बनना? अच्छा। हमारी होम मिनिस्टर नजर नहीं आ रही है, सुबह का चाय का प्याला बाकी है। आप लोग हमको कोस तो नहीं रहे हो ना कि अच्छी छाय वाली जगह ले ली और आपके लिए छोड़ दिया हमने? बहुत कोस रहे हैं। आता हुआ तो ये क्या हुआ? कौन? तो ये वो फरिश्ता है दिलीप तांबरे, जिनकी एक प्राइवेट प्रीमियम प्रॉपर्टी है वांद्रे डैम आइलैंड के बीचों बीच, और जो हमें खुद होकर ढूंढते ढूंढते आ गया इन बिचारे तीन धूप में खड़ी कैंपर फैमिलीज को देख के कि मेरी प्रॉपर्टी पे आइए। अगर अच्छा स्पॉट है तो उधर ही बैठ जाएंगे। तुमसे नाम क्या है? फरिश्ते के साथ में उसकी कैंपसाइट देखने चला जाता हूँ और जैसे कैंपसाइट देख लेता हूँ मैं तुरंत सभी को बोल देता हूँ कि इमीडिएटली यहाँ शिफ्ट कर जाए। ये जो नीले दरवाजे हैं डोर टू हेवन, इन्होंने अपने आप में बहुत खूबसूरत एक्जोटिक लैंडस्केप का सीक्रेट छुपा के रखा है। एक ऑलमोस्ट प्राइवेट आइलैंड वाली फीलिंग आती है, टोटली फ्री फ्रॉम पब्लिक, और जैसे कि साइलेंस का एक अपना ही अलग नेचुरल म्यूजिक होता है, इसका हम लिटरली यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हमारा कैंपिंग का एक एक्सपीरियंस रहा है, जिस एरिया में आपको नेटवर्क नहीं मिलता है वो एरिया हमेशा खूबसूरत ही रहता है।
और शायद इसीलिए ही नेटवर्क नहीं होने की वजह से ये डोर टू हेवन हमारे कैंपर्स को काफी समय तक याद रहेंगे। तो ये है हमारा सेकंड डे में सेकंड कैंपसाइट, एक लगभग प्राइवेट आइलैंड इन वांद्री लेक। सो इस तरीके से इस सुपर हेवनली स्पॉट पे सभी 8 कैंपर फैमिलीज एक साथ आ जाती है। और देखिए इतनी सुंदर जगह है कि यहाँ वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी। अभी टेंट धोना सीखा ना मैंने। हम तो ऐसे चटाई वटाई भी धोते हैं। हम भी कल सब चटाई वटाई धो लेंगे। चटाई ना ऐसे फ्लोट होती है। और लेडीज लोगों के लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है कम्युनिटी किचन सेंटर शेल्टर। यहाँ हमारी 8 फैमिलीज अपने पूरे किचन टेबल सेटअप कर सकती है और एक साथ कम्युनिटी किचन बन सकता है। सो इस बात की तो उम्मीद मिल गई हमें कि कम से कम सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाते वक्त ये शेल्टर है और सभी को छाव है अच्छे से। लेकिन जब ये खाना पच जाता है और आपको एक हल्का सा नशा आता है दोपहर को नींद का, उसका क्या है? आप कैंप में तो दोपहर को सो नहीं सकते, तो उसके लिए भी देखिए इतना बड़ा खजाना है हमारे पास कि पूरे एक आम के बाग की अमराई है। यहाँ पूरा आम का जंगल देखिए पेड़ों का, ऐसे घने छाव में आपको नींद ना आए। और मुझे याद नहीं है कि मुंबई में आया तब से मैं कभी किसी पेड़ के नीचे सोया होगा। यहाँ तो हमें टेरेस के ऊपर जाना अलाउड नहीं रहता है, तो टेरेस पे खुला सोएंगे क्या आप? आप लोगों का छुट्टी, हम लोगों का चलो कैंप फायर लगाओ। हम बेस्ट कुक से, हम खाना बहुत अच्छा बनवाते हैं। हाँ। आपके शेफ वाले जितने भी शो आते हैं उसमें कोई भी शेफ खाना बनाता नहीं है, बनाता है। काम करें यहीं पे चूल्हा लगा लेते हैं। वो अपने बनाने भाभी कॉलेज में हम लोग साथ में थे, मुझे पता था माई डैड विल नेवर अलाउ। मतलब माय मॉम आल्सो वाज लाइक दैट कि हमारी कम्युनिटी मारवाड़ी कम्युनिटी विल नेवर अलाउ। सॉरी बीच में।
फाइनली पहुंच गया। कितने बजे निकला था? मैं चार सवा चार बजे। अच्छा अच्छा, अरे यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो ये लग रहा है कौन? ये भाई। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली बाहर किसी को कोई लोकल को ढूंढ रहा था कि भाई ये गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। बता यार, क्या रे कोई? एक्चुअली व्हाट ही डिड व्हेन आई वाज गोइंग ना, ही टोल्ड मी आई जस्ट पुट द लॉक लाइक। अच्छा ओके। उसने सिर्फ गेट का नहीं लगाया था, अंदर से हमको थोड़ी ना ये लगेगा, बाहर में ताला देखा तो क्या। अच्छा ओके। मेरे को अच्छे से आते हुए पूरा जा सकता हूँ। मैं तो टकिला पी सकता हूँ। अभी मैं एक्चुअली कुक्का का चिलम भूल गया। ओहो, एप्पल में से उसका चिलम बना रहा हूँ। अच्छा Ha ha ha.